माने ग्रामी कदर अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। कुछ दोस्त पिंडाल में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। जब पीर साहब तशरीफ लाएंगे यकीनन आप मुंतजर हैं, हम भी मुंतजर हैं, लेकिन जब पीर साहब तशरीफ लाएंगे तो आपके सामने जलवागर होंगे, आपकी आंखों की प्यास बुझेगी। लेकिन इस वक्त आप अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं एक दोस्त को यहाँ पर बुला रहा हूँ, लेकिन आपका शौक जिंदा तर होता चला जाए। जैसे जैसे पीर साहब की आमद का वक्त हो रहा है, आपके शौक और शौक में एक जज्बात में एक हिजान बरपा होना चाहिए। सकून को तोड़िए। सुकून अगर हासिल करना चाहते हैं तो अपने जज्बात में अपने शौक में एक नई उमंग पैदा कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ऐसे तो नहीं, नाराए रिसालत। तशरीफ लाते हैं जनाब मुख्तार साहब। नाराए हैदरी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंतजार खत्म हुई, आपकी बेताबी खत्म हुई। जनाब ख्वाजा पीर नसीरुद्दीन नसीर आप गोंडा शरीफ वाले तशरीफ फरमाए आपके सामने। आप लोगों से गुजारिश है कि सभी तशरीफ रखें। आप जिस महफिल के लिए आए हैं उसी की खातिर आप तशरीफ रखें। पुरमन बैठ गए हैं, इंसानी का तावन करें। आप जहाँ खड़े हैं वहीं तशरीफ रखें। आप अभी थोड़ी देर बाद इकट्ठा खिताब शुरू हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जहाँ आप तशरीफ फरमाए वहीं आप बैठ सकें और इंसानी के साथ तावन करें। जिस काम के लिए आए हैं अल्लाह ताला उसको आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। इंतजामिया के साथ तावन कीजिए प्लीज। आप कोई ऐसी चपकुच नहीं होनी चाहिए। सभी को अमन उड़ा से बैठे हैं। अभी थोड़ी देर बाद में गलत खिताब शुरू हो जाएगा। ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप अपनी समातों को फैज़याब कर रहे थे और जैसा मैंने अर्ज किया था अभी आपकी आंखों की प्यास बुझने का वक्त आ पहुंचा। किबला पीर साहब इस वक्त आपकी आंखों के सामने जलवागर हैं। अब अपनी अपनी आंखों के दरवाजे आप वाह कर लीजिए। दिलों की प्यास रूहों की तिशगी बुझाइए कि हुजूर पीर साहब आपके सामने जलवा फरोज है। अब बिना तखीर आपकी समातों में रस भरने के लिए आपके ज़ौक की तस्कीन के लिए आपके रूहों में और आपके दिलों में एक नई जिंदगी एक नई तड़प एक नई उमंग और एक होलोना पैदा करने के लिए वो शख्सियत जिसके दीदार के लिए और अपनी समाधों को फैजयाब करने के लिए आप दूरों नजदीक से तशरीफ लाए हैं वो शख्सियत अभी आपके कानों में रस घोलने के लिए लब कुशाई फरमाएंगी। मैं आपसे इल्तिमास गुजार हूँ बारे दिगर कि जहां जहां पर आपको जगह मिल रही है वहां पर तशरीफ फरमा हूँ। अभी पीर साहब आपसे मुखातिब होंगे। आपके इंतजार के लम्हात खत्म हुआ चाहते हैं। अब वो लम्हा वो वक्त आ पहुंचा है कि आपको जोश के साथ होश की जरूरत है। हर जुबान खामोश हो जानी चाहिए। हर आंख हुजूर किबला पीर साहब की तरफ हर समाज का रुख हर तवज्जो का मरकज हुजूर पीर साहब। आपकी खामोशी में इसी सकून और इसी सकून में इसी शौक और जोश और खरोश में मैं दावत खिताब दे रहा हूं। आज मुझे वो सादत हासिल हो रही है मेरे कायदे मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी ने एक दफा कहा और बिल्कुल यही बात मेरे पीर मुर्शिद सैयद गुलाम रसूल शाह खाकी ने भी कही कि अगर किसी के ईमान की फर्क करना हो अगर किसी के अकीदे और ईमान को जानना हो तो एक ही पैमाना है जिक्र रसूल आपकी जुबान पर आ जाए। अगर सुनने वाले सुनते ही जिक्र रसूल सुनकर उसके चेहरे पर एक रौनक आ जाए तो समझ ले ईमान दिल के अंदर मौजूद है। और अगर जिक्र रसूल सुनने के बावजूद चेहरे पर रौनक ना आए आंखों में एक तड़प ना पैदा हो एक रोशनी ना नमूदार हो तो समझ ले कि ईमान दिल से रुखसत हो चुका है। आज आपके सामने औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ ये कि आपकी आंखों की प्यास बुझा रहे हैं बल्कि इस वक्त हमारे दिलों की जिंदगी में एक नई जिंदगी एक हयात नौ पैदा करने के लिए आपसे मुखातिब होने जा रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आपका ईमान और ज्यादा बेहतर आपका शौक और ज्यादा बेहतर हो। नारे की सूरत में जैसा मैंने अर्ज किया उसी तरह अपने शौक का सबूत देंगे आप। नारे तकबीर नारे रिसालत फरियाद के अंदाज में कीजिए। नारे रिसालत नारे रिसालत
منتظر ہیں اور جو ہمارے منتظر ہیں پیر صاحب گولا شریف میں وہ الفاظ نہیں رکھتا جن سے ان کو مخاطب کر کے دعوت خطاب دوں، صرف اتنا کہوں گا کہ میرے اور آپ کے قبلہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، الحمدللہ، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین، علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے حضرات، گرمی اور حبس کا دور ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ میں بڑے عرصے کے بعد اس علاقے کی طرف آیا ہے، راستے میں کئی حضرات سے ملاقات کرنا پڑی، تو مرحلہ وار گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچا، اس لیے دیر ہو گئی۔ بہرحال وقت تو یہی ہوتا ہے بعد از نماز عشاء، تو اتنے بڑے اہتمام میں کچھ نہ کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لیکن اگر ذوق سلامت رہے اور جس نسبت کے حوالے سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اس نسبت کا احترام دل میں موجود رہے، تو انتظار میں بھی مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ بھائی، ایک چشتی صاحب یہاں میں نے دیکھے تھے، اگر ہم چشتیاں کے قریب سے آئے ہیں، وہ اگر کہیں سامنے ہوں، نام اب مجھے بھی نہیں یاد، چہرہ آشنا ہوں، ہمارے تعلق والے ہیں، کیڑے بتائیے، بابا جی جی نہیں، اچھا اچھا، تو بہرحال جہاں بھی ہیں، ہاں کتنے
अच्छा तो मैं अर्ज कर रहा था कि ज़ौक हो तो इंसान इंतजार भी करता है, लुत्फ भी आता है, हर इंतजार में लुत्फ नहीं होता। मेरा एक शेर था, मुझे अल्लाह करे याद आ जाए। छोटी बैर की गजल थी, उसका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो खुदा करे ना आए, वो खुदा करे ना आए, लुत्फ इंतजार तक है। वो खुदा करे ना आए, आ गया अगे आ जा, मैं वेखे अगे बह जा, नाम आपको नहीं याद, चेहरा बेचा। भाई शकर साहब ने हाँ समझ, तो वो खुदा करे ना आए, लुत्फ इंतजार तक है। तो जो लुत्फ होता है वो इंतजार तक होता है। चीज के हासिल होने के बाद उसकी कदर करना ये किसी के से के हिस्से में आता है। चीज हासिल न होने तक उसकी इज्जत होती है और उसकी कदर होती है। मिर्जा बेदिल ने एक शेर कहा था कि दुनिया में कोई चीज, उसका मफहूम ये है कि कोई चीज ऐसी नहीं है कि तुम उसको कहो कि ये फालतू है या बड़ी अहम है। उसने कहा कि जिश्तिये हर चीज रा ना याफ्तन जेबा कुनर, कोई चीज अगर इतनी अहम नहीं है तो वक्त पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर उसका न मिलना उसको हसीन बना देता है। जिश्तिये हर चीज रा ना याफ्तन जेबा कुनत, हर चीज का जो जो कबाहत है उसमें या उसकी गैर अहमियत है, गैर अहम होना है, उसको जरूरत पड़ने पर न मिलना उसका वो उसको अहम कर देता है। मैं उसकी मिसाल दिया करता हूं कि सुई धागा अब किसी के जेब में आप पता करें कि किसी के पास मौजूद नहीं होगा, क्योंकि जरूरत नहीं है, न सुई है, न धागा है, न बटन है। लेकिन जिस वक्त ये जरूरत पड़ जाए, माचिस की तीली किसी के पास नहीं, अब तो लोग सिगरेट पीते हैं तो शायद इसलिए रखे हों, लेकिन इस किस्म की जो छोटी मोटी चीजें हैं तो इनको कोई नहीं पूछता। लेकिन जब यही वक्त पड़ जाए तो अगर सुई ने जहां काम करना है वहां धागे ने नहीं करना, जहां धागे ने करना है वहां सुई ने नहीं करना। तो अल्लाह ने इसीलिए फरमाया कि जो अरबाब अकल हैं, जिनको मैंने अकल अता की है, वो यही कहते हैं कि रब्बना मा खलकता हाजा बातिला, ऐ हमारे रब तूने जो कायनात में जो कुछ पैदा किया है, जिसको हम अच्छा कहते हैं, जिसको बुरा कहते हैं, जिसको कमजोर कहते हैं चीज, जिसको आला कहते हैं, कोई उनमें से चीज बातिल और फजूल नहीं है। हर चीज अपने वक्त पर उसका हुस्न सामने आ जाता है। अगर आप अरबों रुपए के मालिक हैं, खरबों रुपए के मालिक हैं, तो आपको अगर सुई धागे की जरूरत पड़ गई तो आपके पैसे वो काम नहीं करें जो सुई धागा करेगा। कोई छोटी सी छोटी चीज ले लें, जरूरत के वक्त
आप परेशान हो जाएंगे कि यार ये मुहैया करो कहीं से, मुझे बहुत जरूरत है। वहां आपको 1,00,000 रुपया दे दिया जाए तो कहेंगे 1,00,000 रुपए की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सुई धागे की जरूरत है। तो इससे पता चलता है कि कायनात में जो अल्लाह ने पैदा फरमाया है, जो चीज भी पैदा की है, उसको इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है, तखलीक फरमाया है। तो इंसान को जिस वक्त जिस चीज की जरूरत पड़ती है, उस वक्त अगर वो उसको मुहैया ना हो तो उसके लिए मुसीबत बन जाती है। तो यही इंतजार है कि इंतजार के बाद जो चीज मिल जाए उसका उसकी कदर करना, ये भी बड़े बड़ी समझदारी की बात होती है और कदरदानों की बात होती है या कदरदानी की बात होती है। देखें, मैं उस मजमून की तरफ आऊंगा लेकिन अभी जरा तमहीदी कलमात हैं कि सबसे बड़ी मुअज्जज और कीमती शख्सियत कायनात में अल्लाह की जात के बाद हुजूर खत्मी मर्तबत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात आलिया है। इंतजार हुआ, ये इंतजार का दौर जनाब आदम से शुरू हुआ कि ये शख्सियत दुनिया में कब जहूर फरमा होगी। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के अदवार गुजरते रहे, बिशारतें मिलती रहीं, हर किताब में हर हवाले से आपका जिक्र खैर आता रहा, लेकिन वो शौक और ज़ौक देखिए कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की, ईसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की कि हम उस नबी मुकर्रम के जो आखिरी दौर में तशरीफ लाएगा, हम उसके उम्मती हों, अगर या अल्लाह हमें उसका उम्मती बना। तो वो इंतज़ार की घड़ियाँ चलती चलती हुजूर तक आईं। अब जो मकाम शनास लोग थे उन्होंने कलमा पढ़ा, इत्तेबा की, आपकी दावत पर लब्बैक कही और कुर्ब खास हासिल फरमाया, अल्लाह ने बड़ा दर्जा अता फरमाया। लेकिन उस कुर्ब के बावजूद उनके अंदर जो अदब था, एहतराम था, उसको आप देख सकते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात में कि कमाले कुर्ब, लेकिन जब हुजूर ने फरमाया कि तुम नमाज पढ़ाओ, हजरत बिलाल ने अर्ज की कि सब हजरात वहां खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं मस्जिद में आप तशरीफ लाएं। मेरे जद अमजद ने वही मंजर अपने शेर में खींचा था कि हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन, हुजरे थी मस्जिद आओ ढोलन, नूरी झात के कारण सारे सिकन। तो सब इंतजार कर रहे हैं, नूरी झात के कारण सारे सिकन, जिन्नो मलक पूरा परियां, ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आप तशरीफ लाएं भाई। तो हजरत बिलाल ने अर्ज की, उसको मैंने हजरत सिद्दीक अकबर की एक मनकबत में 40-45 शेरों पर मुश्तमिल है वो मनकबत आपकी, तो उसमें एक शेर मैंने कहा था, उसमें इस पूरे वाक्य को मैंने पेश किया। नबी अलील थे, पूछा बिलाल ने आकर, नबी अलील थे, पूछा बिलाल ने आकर, नमाज कौन पढ़ाए हमें, कहा सिद्दीक।
نبی علیل تھے، پوچھا بلال نے آ کر نماز کون پڑھائے ہمیں، کہا صدیق۔ تو آپ کو پتا ہوگا، علماء سے آپ سنتے آئے ہیں، کہ حضرت صدیق اکبر مصلی پر کھڑے نہیں ہوئے بلکہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ ابو بکر، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم نماز جاری رکھو، میں پیچھے کھڑا ہو جاتا۔ تو یہ جو جملہ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا بارگاہ نبوت میں، یہ سننے کے قابل بھی ہے، اور اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اتنے قرب کے باوجود ادب اور احترام کس عروج پر موجود تھا۔ اور آج بعض لوگ دانستہ یا نادانستہ ان کو، ان کے لیے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو انہیں زیب نہیں دیتے۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے، ان لوگوں کو بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ اتنا قرب ہو، اور اس قرب کے بعد کہ رسالت میں آپ حکم فرما رہے ہو کہ جو میرا مقام ہے تم وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ، کملی والا آج تمہارے پیچھے نماز پڑھے گا۔ تو غور فرمائیں، یہ ایسی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ سب سے سنتے ہیں، میں ذرا اس کا تجزیہ پیش کر کے بات کر رہا ہوں کہ تم وہ ذات جو امام الانبیاء ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے، جو شافع یوم النشور ہے، جس کی ذات سراپا نور ہے، جس کی سیرت مسلمان کے لیے ایک مکمل دستور ہے، جس کی عظمتوں کو ماننے کے لیے دشمن بھی مجبور ہے، وہ ذات جس کا انتظار نبیوں نے کیا، معراج پر تشریف لے گئے نبیوں نے، کیا نبی اور اس میں آپ کے اجداد بھی تھے، جناب ابراہیم بھی تھے، بڑے بڑے اولوالعزم پیغمبر 1,24,000 کم و بیش موجود تھے، انتظار ہو رہا ہے، کیا وہ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے؟ لیکن نہیں، انتظار ہو رہا، نبی لطف اٹھا رہے ہیں انتظار کا۔ انبیاء لطف اٹھا رہے ہیں کملی والے کی آمد کا، کہ تشریف لائیں گے، ابھی نظریں اٹھ رہی ہیں، ادھر ادھر دیکھا جا رہا ہے کدھر سے تشریف لائیں گے۔ مجھے یہاں ایک اپنا شعر نعت کا یاد آ گیا کہ میں اپنے ذوق کے لیے پڑھتا ہوں، اپنے ذوق کے لیے، ظاہر ہے مجھ میں کوئی ذوق پیدا ہوگا تو آپ میں پیدا ہوگا۔ اب میں آپ سے کہوں جناب آپ مجھے داد دیں، آپ یہ کریں وہ کریں، میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، جب میں خود اپنے دل کی دنیا کے یہ اندر کے جو تار ہیں ان کو چھیڑوں گا، تو جب مجھے خود لطف آ جائے گا تو آپ کو بھی آئے گا۔ وہ امامت کی شب،
वो सफे अंबिया वो इमामत की शब वो सफे अंबिया वो इमामत की शब वो सफे सफे अंबिया मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए मुक्तदी मुक्तदा देखते ये दुरुस्त है कि इमाम और मुक्तदी उस वक्त बारगाह इलाही में हाजिर होते हैं उसके जलवों को देख रहे होते हैं खुश नसीब और नजर वाले मुक्तदी और इमाम लेकिन ये ऐसा इमाम है कि मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए मुक्तदी मुक्तदा देखते अल्लाह तो हाजिर नाजिर है लेकिन वो जलवा था कमली वाले का कि मुक्तदी मुक्तदा देखते वो जात और शेर सुन लीजिए इसमें को कि नेको पद पर हुआ उनका यक सा करम नेको पद पर नेको पद पर हुआ उनका यक सा करम नेको पद पर हुआ उनका यक सा करम लोग अच्छा बुरा देखते रह गए लोग अच्छा बुरा देखते नेक फरमाया अस्सालिहूना लिल्लाहे वत्तालिहूना ली अच्छे अल्लाह के हैं बुरे मोहम्मद के हैं नेकों के बारे में अल्लाह जाने और बुरों के बारे में कमली वाला जाने नेको बद पर हुआ उनका यकसा करूं लोग अच्छा बुरा देखते लोग कहने लगे कि ये आदमी तो बड़ा बुरा इंसान था दुनिया में आज लिवाउल हम के साए तले खड़ा है कमली वाले की शफाअत के झंडे तले खड़ा है ऐ मुनकरे शफाअत मुस्तफा होश का मकाम है बैठो तू तो मुसलमान है तेरा दावा है कि मैं कमली वाले को मानता हूं रिसालत को मानता हूं तुझे शफाअत में अभी शक है तू कहता है ये रिवायतें हदीस की ज़ईफ हैं लेकिन तेरे मुकाबले में मैं उस आदमी को पेश करता हूं जो कमली वाले का बराह रास्त कलमा गो नहीं है उसका ताल्लुक उसका मजहब दूसरा है लेकिन वो कहता है कि लेके दिल्लू राम को हजरत चले जन्नत में जब लेके दिल्लू राम को
حضرت چلے جنت میں جب ارے غل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے غل ہوا ہندو بھی محبوب ہندو کو دیکھو تلو رام کوسری کو یہ کیا فرق ہے تم تو کلمہ پڑھتے ہو اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اس کے اندر کوئی توحید کی ایسی رمک آ گئی جو اپنے ہندوؤں میں اس کا وہ اظہار نہیں کر سکا مجبوری ہوتی ہے لیکن اس نے یہ شعر کہہ کر یہ بتا دیا کہ میں کملی والے کو مانتا ہوں آپ کہیں کہ وہ تو ہندو ہے حضور کی شفاعت اور رحمت اس کے لیے کیسی ہے ارے تم نے قرآن نہیں پڑھا ہر نماز میں پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین عالمین میں سارے عالم ہیں اچھوں کے بروں کے بدکاروں کے صالحین کے جو دنیا ہے سب کا رب ہے کیا ہندوؤں کو رب نہیں پالتا سکھوں کو رب نہیں پالتا تم پال رہے ہو جاپان کو کون رزق دے رہا ہے مسلمان تو پاکستان میں بیٹھے ہیں جو اللہ کو رسول کو نہیں مانتے ان قوموں کو رزق کون دے رہا ہے مالک دے رہا ہے جس نے اتنا بڑا اونچا چھت بنایا وہ رزق دے رہا ہے تو یہ اللہ پر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے کلمہ تیرا ہم پڑھیں جہاد ہم کریں صفوں میں آگے ہم جائیں محاذ پر ہم لڑیں رزق زیادہ تو کافروں کو دیتا ہے ہم بھوکے مریں باہر کے ملک ہمیں رزق دیں مدد کریں وعدہ تو نے مسلمانوں سے کیا ہے وعدہ مدد کا تو ہمیں امریکہ کیوں مدد دیتا ہے جاپان کیوں مدد دیتا ہے کوریا کیوں مدد دیتا ہے وکانا حقاً علینا نصر المومنین تیرا ارشاد ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا میرا حق ہے تو یا اللہ تیرے ہوتے ہوئے باہر اور دشمن مدد دے جو تجھے نہیں مانتا تیرے نبی کو نہیں مانتا سارے پل رہے ہیں پاکستان میں ہر طبقہ کھا رہا ہے اس مدد کو جو کافر دے رہے ہیں مختلف ذریعوں سے ہمیں مل رہی ہے نوالا ہم تک بھی تو پہنچتا ہے نا اس پر کوئی اعتراض نہیں یہاں شرک نہیں ہے یہاں شرک نہیں ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ دے رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی نہیں وہ رب العالمین ہے وہ پالنہار ہے سب کا صرف مسلمانوں کا نہیں ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے حشرات الارض ہیں چیونٹیاں ہیں جانور ہیں جو کائنات کی جو چیز ہے اس کو رزق دینا اس کا کام ہے اس نے ذمہ اٹھایا ہے رب الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے مالک بھی ہے رب کا معنی مالک اور پالنے والا ہے اور ادھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وہاں رب العالمین اور یہاں رحمۃ للعالمین اگر اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے تو کملی والے کی رحمت کے لیے آپ کے پاس کوئی میٹر ہے کہ آپ اسے کہیں یہاں تک تو ہے یہاں تک نہیں ہے اللہ نے تو فرمایا جس طرح میں رب العالمین ہوں اسی طرح یہ رحمت للعالمین ہے عالم کی جس طرح وہ عالمین کا رب ہے یہ رحمت ہے عالمین کے لیے تو اس میں سارے عالم ہیں اب جو چیز
جو مذہب جو مسلک اس کو اس کے ساتھ وابستگی اور محبت اختیار کرے گا اس کے لیے رحمت ہے، اور اگر نہیں بھی کرے گا تو اس کے ساتھ ظلم نہیں فرمائے گا، یہ وہ ذات ہے۔ اس کے ساتھ بھی اخلاق اور محبت اور انسانیت اور اخوت انسانی کا برتاؤ کیا جائے گا، یہ وہ ذات ہے۔ تو اتنی بڑی ذات، اس کی رحمت سے کوئی محروم نہیں رہتا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کو رحمت کا احساس نہیں ہے کہ ہم پر رحمت کس حوالے سے ہو رہی ہے، اور کچھ لوگوں کا کو رحمت کا احساس ہے۔ تو جن کو احساس نہ ہو نہیں ہے وہ تو دیے چلے جا رہے ہیں، عطا فرما رہے ہیں، لیکن جو نمک حلال ہوں، اپنے آقا کے نمک حلال غلام ہوں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ بھی دے رہا ہے تو کملی والے کا صدقہ عطا فرما رہا ہے۔ ان کی رحمت سے کوئی بھی محروم نہیں ہے۔ تو دلو رام کوسلی نے ٹھیک کہا تھا، گل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے۔ غالب کا ایک شاگرد تھا تفتہ دہلوی، ہندو تھا، اس کا مجھے فارسی کا شعر یاد آیا۔ یہ چیزیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مولوی حضرات آپ کو ان میں سے مشکل ہے کوئی سنائے جو میں آپ کو چیزیں سنا رہا ہوں، یہ اور دنیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روز محشر چونز محشر عرصہ بد خود تنگ دید، قیامت کے دن گناہگاری کی وجہ سے جب میدان محشر اس نے اپنے آپ پر تنگ دیکھا نا کہ اب میرا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے، تفتہ گریاں آمدو دامان پیغمبر کرے، تفتہ روتا ہوا آیا اور کملی والے کا دامن تھام لیا کہ مجھے بچانا ہے تو آپ نے بچانا۔ اس نے کوئی مربع نہیں لینے تھے، لوگوں سے کوئی پیسے نہیں لینے تھے یا داد نہیں لینی تھی، اس نے محبت کا اظہار کیا۔ تو یاد رکھ، اس ذات کے ساتھ اگر ہندو بھی محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، کیونکہ کملی والے کے ساتھ جو محبت کرتا ہے صحیح محبت، وہ کبھی توحید سے محروم نہیں رہ سکتا، وہ کملی والے کے جو آپ کا درس ہے پہلے اس کو اس نے تسلیم کیا اندر سے، پھر کملی والے سے محبت کی۔ وہ ذات، وہ امام۔ لیکن جناب صدیق اکبر کو حکم ہوا تو کیا جملہ عرض کیا کہ قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت، قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت کہ انبیاء کے سردار کے امامت کرائے اور مسلح میں ان کے آگے کھڑا ہو اور آپ میرے پیچھے ہو، میں کبھی نہیں یہ برداشت کرتا۔ یہ ہے قرب اور یہ ہے ادب، کیونکہ قرب ملے تو انسان بے ادب ہو جاتا ہے زیادہ، لیکن اس کو فارسی میں گستاخ کہتے ہیں۔ گستاخ، گستاخ کا معنی بے ادب نہیں ہوتا، یہ بھی آپ سمجھ لیں، گستاخ کا معنی یہ نہیں ہوتا، گستاخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شوق اور محبت اور وارفتگی کی انتہا اندر پائی جائے، ادب کے تقاضے کچھ اور ہوں، دل کی دنیا کے تقاضے کچھ اور ہوں، ہے جی،
आदाब कुछ और कहते हो, दिल और कहता हो, तो उसमें अगर ऐसा कदम इंसान उठा दे जो उस माहौल की महफिल जो है उसके आदाब के खिलाफ समझा जाए कि ये जसारत है, वो जसारत उस गुस्ताखी में मोहब्बत और अदब और जौक और इश्क पूरी तरह का फरमा होता है। जो गुस्ताखी, जिस गुस्ताखी का जिक्र मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने अपने इस मिसरे में फरमाया कि किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख की किथे जा रही। तो क्या है, आप देखें कि हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम और हजरत उस्मान गनी और हजरत अली शेर खुदा तशरीफ फरमा है हुजूर की बारगाह में और चेहरा आपका सामने है, लेकिन अदब यह है कि आंख भर कर आपकी तरफ देखते नहीं, सबने गर्दनें झुकाई हुई है जी, ये अदब है, ये उन लोगों का अदब है। फिर मकाम भी आप देखें, तो गुस्ताख का मायना होता है। अच्छा, यहां मुझे अपना शेर याद है, एक शख्स ने कहा कि ये क्यों नहीं उठाते थे, मैं शायर आदमी था, मजमून हमारे पास होते हैं अल्लाह ताला अता फरमाता है, तो मैंने उसे शेर एक कहा और गजल का शेर था, मैंने सुनाया, मैंने कहा पहले किसी जमाने में ये गजल कही थी फारसी में, बड़े असाध्या की पामाल जमीन है और बड़े बड़े मशाहिर सुखन ने इसमें तबाजमाई की है, तो उसका एक शेर था कि अजां बमुसफे रुयश निगाह न कुशायम, ये मेरा शेर था कि मुसफ कहते हैं कुरान को, उसका चेहरा जो मुसफ की हैसियत रखता है कुरान है जी, रेल है ना, उस पर रखा हुआ चेहरा, तो मैं उसके चेहरे का जो मुसफ है उसकी तरफ मैं आंख इसलिए नहीं उठाता कि पा दराजी मिजगा जहूर बेअदबी, के पलकों की टांगों का लंबा होना, पलकें जो हैं इसकी वैसे आप नजर झुका लें तो झुक जाती हैं, तो यूं उठाएं तो इसके पांव जो हैं वो मुसफे रुख की तरफ होती हैं, कुराने चेहरा की तरफ होती हैं, इसलिए हम नजर नहीं उठाते कि पलके अपने पांव लंबे क्यों करें, कुरान की तरफ पांव लंबे करना गुस्ताखी है, के पात राजी ये मिजगा जहूर बेअदबी, तो गुस्ताख क्या होता है, उसमें ये नहीं होता कि खुदा ना खास्ता उसमें बेअदबी का अंसर होता है, हुजूर की बेअदबी अगर वो करे तो वो दारे इस्लाम से खारिज है, तो ये कैसे हो सकता है कि अदब और मोहब्बत ना और फिर गुस्ताखी करे, ये मोहब्बत और शौक की गुस्ताखी है, जिस तरह हजरत सरखैल सूफिया हजरत अयूब अंसारी के पड़पोते जो हिरात में दफन हैं, हजरत अयूब अंसारी के पड़पोते हजरत ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी रहमतुल्लाह अलैह पीर हिरात, जामी ने उन पर उनकी बड़ी तारीफ की, हम वहां हाजिर हुए थे अफगानिस्तान में, तो वो फरमाते हैं ये गुस्ताख है, ये गुस्ताखी की बातें, मोहब्बत और शौक से लबरेज भरी हुई बातें है जी, इलाही भूजाल अज़काबा भी आयत व इब्राहिम अज़बुत खाना कार ब इनायत अस बाकी उधरों बहाना, ऐ अल्लाह इब्राहिम बुतखाने में पैदा हो रहा है उसे नबी बना दिया, अबू जाल काबे का मुतवल्ली है उसे काफिर बना दिया,
अबूला वहां का मुतवल्ली है, तब्बत यदा अबी लहब बतब आए तो कर आई, मंसूर जानवी है। ये क्या है जो बुतखाने में पैदा हो रहा है उसको नबूवत मिल रही है, उलुल अज़म पैगंबर है। दीनन क़ियम मिल्लत इब्राहीम हनीफा, और जो मुतवल्ली के काबा हैं उनका ये हाल है कुफर में है। कार बनायत असल बाकी उज्र बहाना, असल बात ये है, ये है गुस्ताखी कि का मामला जो है ये तेरी इनायत पर मौकूफ है, बाकी उधरो बहाने हैं, हम नहीं मानते ये बात, ये तेरी अपनी मर्जी है। है जी, मुशरिकों के घर में पैदा करके, बुतखाने में पैदा करके नबूवत दे दे, और काबे की तौलियत देकर काफिर बना दे, ये तेरी अपने खेल है, तेरी अपनी मर्जी है, तो ये गुस्ताखी। अब देखे ना, ये तो ताल्लुक है जात के साथ, ये एक दीवाना और मोहब्बत वाला एक जिस तरह मनचला आदमी बात कर देता है, बड़ा ताल्लुक हो ना आपका किसी के साथ बहुत, तो आप उससे इस किस्म की बातें खुली कर देते हैं और वो महसूस भी नहीं करता, हंसता रहता है, खुश होता है, भाई ये ठीक बात कह रहा है। ये वही बात है जिस तरह मूसा अलैहि सलाम का वाकया आता है कि एक आजड़ी था, उसने कहा अल्लाह तू मेरे पास होता तो मैं तेरे सर पे तेल लगाता, अनपढ़ आदमी था। अब वो जनाब मैं बूट पॉलिश करता, कपड़े तुझे पहनाता, खिदमत करता, इस्त्री करके देता, है जी सुरमा लगाता, ये करता वो। मूसा अलैहि सलाम सुन गए, मूसा अलैहि सलाम ने कहा वो जिस्म से पाक है, वो खालिक मालिक है, बड़ा बेवकूफ है, तू क्या बकवास कर रहा है, तौबा कर। वो रो पड़ा, उसने कहा मैं क्या, मैं तो मोहब्बत से कह रहा हूं, तो वाकई उसका जिस्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो रो पड़ा और चुप हो गया। तो वही आई मूसा अलैहि सलाम पर उतरी, उसी वक्त हुक्म हुआ कि मूसा ये क्या वजह है, बातें वो मुझसे कर रहा है, बंदा मेरा है, पैदा मैंने किया है, मैं उसकी बातें सुन रहा हूं। तुमने उसे आदाब क्यों सिखाए, तुमने उसे क्यों मना किया। तू बराए वसल करदन आमदी, मूसा तू तो मिलाने के लिए आया है, बंदों को मुझसे मिलाने के लिए आया है। न बराए फसल करदन आमदी, तू मिले हुओं को जुदा करने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि जो जुदा है उनको मिलाने के लिए आया है। बातें मुझसे कर रहा है, तुमने इसे क्यों मना किया। मूसा अलैहि सलाम भाग कर गए, भाई बात करो वो ही जिस तरह। उसने कहा अब मुझे समझ आ गई, मैं नहीं बात करता। दीवानों की ये गुस्ताखी, और जो जिसमें मोहब्बत हो, शौक हो, हुजूर गुफ्तगू सुनते थे, हदीसें पढ़े, स्याह सिता उठाए। जो बदू लोग आते थे, एक तो मकाम शनास थे सहाबा किराम की जमात, जो मकाम मुस्तफा को जानती थी और अपनी नजर भी बुलंद नहीं करती थी। हुजूर यहां तक इत्तबा और कमली वाले की मोहब्बत थी कि अगर हुजूर फरमाए कि आज फलाना दिन है या आज ये बात यूं हुई, तो सब अर्ज करते थे अल्लाह व रसूलुहु आलम, आप अल्लाह और आपका अल्लाह और आप बेहतर जानते हैं। मसलन आज दिन क्या है, क्या है जी, आज मंगल है ना, तो अगर हुजूर फरमाते कि आज मंगल है तो सबको पता है, कहना चाहिए। लेकिन वो शान रिसालत थी, वो ईमान था सहाबा का,
वो कहते हैं अल्लाह हो व रसूल हु आलम, हो सकता है मंगल ना हो। कमली वाला जो पूछ रहा है आज मंगल है क्या है, तो हो सकता है वो ना हो। फरमाते थे सरकार आप फरमाएं, हमें तो नहीं पता आज क्या है। क्या आज तेरा ईमान है इतना कमली वाले पर जितना सहाबा का था? सहाबा पर बात करने वालों होश करो, कफे लिसान करो, ये बहुत बड़ा अजीम तबका है जो रसूलों को रिसालत माप को करीब से देखने वाला तबका है। और अगर हुजूर उधर तो तुम कहते हो कि हुजूर गैब जानते हैं, फिर कहते हो ऐप भी जानते हैं, तो अगर इनमें कोई ऐबदार था तो हुजूर ने उसको निकाला क्यों नहीं? अगर कोई ऐब था सिद्दीक अकबर में माद अल्लाह कोई ऐब था तो मुसल्ले पर खड़ा रहने को क्यों फरमाया? क्या ऐबदार साहबी के पीछे इमामुल अंबिया नमाज पढ़ेगा? होश करो, समझो, सारे लोग समझो। मैं अर्ज किया है ना कि अहले बैत घर में बैठने वाले हैं और सहाबा दर पे बैठने वाले हैं। सहाबा दर पर बैठने वाले हैं, अहले बैत घर में बैठने वाले हैं। घर का दर होता है, घर का दर होता है, और जो दर पर आता है घर वाले उसे झटकते नहीं है। मैं अर्ज करूं माशाल्लाह संदीलिया वाला का मजमा बड़ा बाजौक है, हबस भी है, लेकिन हबस है। और कोई खतीब होता तो वो कहता है ऐसे माहौल में बोलना हबस है क्योंकि शदीद हबस है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो जो मजमून कमली वाले के गुलामों का, सहाबा का और अहले बैत का चलता जा रहा है, ज़ौक निखरता जा रहा है, और आपके दिलों की का जो मिजाज है वो भी बदलता जा रहा है। बजाई दर पे है, जो घर का होता है दर, हर घर का दर होता है। कुछ कहते हैं जनाब इनका आपस में कोई इख्तिलाफ था, हजरत अली के साथ इख्तिलाफ था इन सहाबा का बकौल एक गुरु के। मैं उसका जवाब देता हूं, पेश करता हूं, आप गौर फरमाएं, इंसाफ करें। ये ना कहें कि पीर मेर अली शाह का पोता बात कर रहा है, ये आप देखें कि बात क्या कर रहा है। हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उस इल्म का दरवाजा है, बाप का मैंने दरवाजा। अली उन बाबुहा, अली उस इल्म के शहर का दरवाजा है। हदीस है ना, सारी दुनिया पढ़ती है। हासिदीन और मुआनिदीन को छोड़कर हर समझ वाला आदमी इस हदीस को मानता है। हमारा ईमान है सरकार का, हजरत अली के हक में ये इरशाद है। आप देखिए हुजूर ने फरमाया ये दरवाजा है, दरवाजा है, ये भी दरवाजा है। किसकी वजह से? सहाबी है।
लेकिन दरवाजा किसका है? इल्म का है। और इल्म किसका है? कमली वाले का है। यानी दरवाजा कमली वाले के इल्म का है, ठीक है? दरवाजा कमली वाले के इल्म का है। शहर है, कितना बड़ा शहर है आपको क्या पता? ये आपका शहर कराची है, इसके जरा हुदूदे अरबा मुझे आप बताएं। क्या आप सारे, कोई कह सकता है कि मैंने सारा कराची घूम लिया? बोले, जो वहां के रहने वाले हैं वो भी एतराफ करते हैं कि हमने पूरा कराची नहीं देखा, सारे गली के कूचे नहीं देखे। जिस गली कूचे से सबका वास्ता पड़ता है वहां जाते हैं, सारे गली कूचे नहीं देखे, जिनकी जिंदगियां वहां गुजर गई। तो नबी जो इल्म का शहर है, नबी के इल्म के शहर की वसत को आप लोग नाप सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं? आपके पास क्या कोई मीटर है? कराची को तो आप नाप नहीं सकते। पूछते हैं ये सड़क किधर जाती है, फला इलाका का किधर है, लोगों से पूछते हैं, फिर बमुश्किल पहुंचते हैं। तो इस शहर की वसत को कौन नाप सकता है या अपने इल्म के अंदर ला सकता है? ठीक है, फिर जितना बड़ा शहर है उतना बड़ा दरवाजा है। दरवाजा है, दरवाजा। और ये भी आप देख लें, बड़ी अजीब हदीस है, सरकार का तो हर इरशाद बड़ा जामे माने होता है, लेकिन ये है कि जो मेरे इल्म के शहर में आएगा वो दरवाजे से आएगा, और उसका दरवाजा अली है। अली से मिले, अली को पहचाने, और मेरे मार्फत कदम, मार्फत कदे में कदम रखे। तो हुजूर ने इन्हें दरवाजा फरमाया, तो हजरत अली तो दरवाजा हैं हुजूर के इल्म का। तो सहाबा दूसरे सारे दरवाजे पर बैठने वाले हैं, मैंने अर्ज किया क्यों? इसकी दलील यह है कि कोई सहाबी हुजूर के घर में नहीं जाता था। हजरत सिद्दीक अकबर भी जाते थे तो हजरत फातिमा ज़हरा पर्दा करती थी, अहले बैत रसूल किसी के सामने नहीं आती थी। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा और जितने अफराद अहले बैत रसूल हैं वो किसी सहाबी के सामने नहीं होती थी, वो दरवाजे तक आते थे। सहाबा दरवाजे पर बैठते थे और दरवाजा अली था। सरकार ने फरमाया दरवाजा अली है, तो जो दरवाजे पर बैठे उसका दरवाजे से झगड़ा हो सकता है? फरमाया अली दरवाजा है, तो सारे सहाबा इस दरवाजे पर बैठते थे, तो अली से कौन झगड़ा करता था? भाई आप जाए ना किसी के दरवाजे पर तो दरवाजे से झगड़ते हैं आप? दरवाजा है। और फिर कमली वाला जिसे अपना दरवाजा फरमाए वो इतना तंग नजर हो सकता है कि वो लड़े? आप किसी को अपना खलीफा बना दें, मोतमिन बना दें, तो आपका दुश्मन भी अगर आएगा तो आप उसको खंदा पेशानी से मिलेंगे कि मुझे फलां पीर साहब ने या मुझे अपने पीर ने यहां ड्यूटी पर खड़ा किया है, तो मैं आज दुश्मन तो तुम हो
लेकिन आज मेरे पीर के मुरीद या उसके हलके में या उसकी महफिल में तुम आए हो तो मैं तुमसे वही सलूक करूंगा जो अवाम के साथ मैं कर रहा हूं। आज मैंने दुश्मनी को बालाए ताक रख लिया है, ये बात ठीक है कि नहीं? जो शरीफ नफ्स और अच्छा इंसान होगा वो अपने पीर को के मुंह को देखकर ये सलूक करेगा अपने दुश्मन से। तो तुम अली के मुतल्लिक ये ख्याल करते हो कि माज़ अल्लाह वो इतना तंग नजर है कि वो दरवाजे पर बैठने वालों से माज़ अल्लाह अच्छा सलूक नहीं करेगा, जबकि वो खुद दरवाजा है। तो साबित हुआ कि हुजूर के उलूम तक पहुंचने के लिए अली है। इसीलिए हजरत फारूक आजम ने फरमाया कि अली जो है वो हम में सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। क्यों फरमाया फारूक आजम ने? इसलिए कि उन्हें पता था कि अली जुन बाबोहा मदीना इलम का कमली वाला है और उसका दरवाजा अली उल मुर्तदा है।